Brought to you by Techno Camon 30 Series. दो टाइटल्स जीतने का मौका है तो आपको दुनिया की टीमें भी देखनी होगी हाँ। कि उनका क्या चल रहा है। और बिल्कुल रोहित शर्मा कम से कम चैंपियंस ट्रॉफी में तो है ही है ना, मतलब वो तो 6 महीने बाद ही है। अच्छा, दूसरी बात चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आपको बता दूं कि अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब ये बातें आती रहती हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया से आती रहती हैं कि जी आईसीसी ने मंजूर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रत्ती भर डेवलपमेंट नहीं है। नो डेवलपमेंट मतलब नो। सुनिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रपोज किया है, वो जो खबरें आती है ना कि लाहौर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। प्रपोज किया उन्होंने पूरा अपना शेड्यूल बना के भेजा है, बट आईसीसी अभी बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ गया नहीं है। सेकंडली, आई थिंक मैं थोड़ा हैरान हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो यहां पर आए ही नहीं फाइनल के लिए। भाई यही मौका होता है ना, आईसीसी टूर्नामेंट है, आप आते हैं, आप अनौपचारिक बात करते हैं, औपचारिक बात करते हैं, आप होस्ट हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान मे हैव एक्चुअली मिस द ट्रिक, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हैव एक्चुअली मिस द ट्रिक। एक अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड कप फाइनल में, वो आए ही नहीं। तो भाई घर बैठ के तो अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि उनकी सारी बातें मान ली जाएंगी, वो गलत फहमी का शिकार है। वो घर बैठ के तो नहीं होगा, उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, बड़ी बातें करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आई थिंक सिलसिले का आगाज वो इस वर्ल्ड कप फाइनल से कर सकते थे, एंड आई थिंक दे हैव मिस दैट ट्रिक नाउ। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।